हमेशा ऋषिकेश में रहते हैं बाबा? नहीं नहीं। अरे भैया हम ऋषिकेश आते हैं गंगा दशहरा के लिए। अच्छा, और वह भी आते हैं कहाँ? कोयल घाटी। हाँ, वृंदावन आश्रम। हाँ, किशोरी शरण सूरदास। जय हो। तिलपत वाले के स्थान में। बढ़िया है, लेकिन वो वहाँ जाएंगे हम जेठ के शुक्ल पक्ष सप्तमी के सुबह में। तब तक समय इधर उधर काटते हैं। और शरीर है विदेह राज की क्षेत्र। बढ़िया है। और भेष है अवध का। बढ़िया है। अब ये बताइए, जो साधु को आसन लगाने से पहले किन तीन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ये आप बताते हैं। साधु को आसन लगाने से पहले वह तीन शब्द क्या है, इसको आप बता दें महाराज। आप बताइए। हम नहीं बताएंगे। हाँ। या आप बुजुर्ग हैं, आप स्थानधारी हैं। हाँ। हम पटरी वाले हैं। नहीं नहीं, आप अवधूत है, सूरदास का परंपरा है आपका। सूरदास का परंपरा नहीं, सखी संप्रदाय जरूर है। हाँ हाँ, हमारा जो है। हाँ जी। अवध गोलाघाट की मूल खंती है। अच्छा, बढ़िया है। ता है कानन। हाँ। और आज जंगल कहीं है नहीं। हाँ। किसी के बगीचे में जाएंगे तो लाठी से खदेड़ना शुरू करेगा। अच्छा, तो किसी जब यह शरीर को चलाने के लिए दूसरा तो रास्ता मूल स्वरूप अपनाना ही होगा। हाँ जी। तो वह मूल स्वरूप अपनाए हुए हैं। हाँ जी। आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। हाँ जी। हाँ, जीना खाना है। हाँ। लेकिन आज मूल स्वरूप। हाँ जी। साधु शाही नष्ट हो गई। आज हाँ। लोग साधु बन गए संत, और संत चले गए किस नाली में। हाँ, साधु किस के मैं खाने में चले गए, पते नहीं चलता। साधु किस मैं खाने में चले गए, ये पते नहीं चलता। आप पूरा अवधूत है, वैराग्य हो गए। वैराग्य। वैराग्य होता तो त्याग होता। त्याग होता है। वैराग्य का मतलब है त्याग। त्याग। और आज त्याग कहीं है नहीं। आपका पास त्याग है। वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो अलग चीज है। ये चीज इसको त्याग नहीं कहते। हाँ जी। त्याग मूल इसका होना चाहिए। अच्छा, अंटे बట్టలు వేసుకున్నంత మాత్రాన త్యాగం కాదు, నేను బట్టలు వేసుకున్నందుకు నన్ను త్యాగి అనకు, డబ్బులను వదిలిపెట్టిన వాడు త్యాగి అంటున్నాడు। త్యాగి ఇస్కా జబ్ నహీ హువా తో త్యాగి హమ్ నహీ హై। సుసిన్ రా చేతులు ఇట్లా అంటున్నాడు। తమ మాయా భీ హై। ఆ, డబ్బులను వదిలిపెట్టడమే నిజమైన త్యాగం అంటున్నాడు। సబ్సే బడా త్యాగ్ తో ఇస్కా హోనా జరూరీ హై। డబ్బులు వదిలిపెట్టడం అనేది చాలా పెద్ద త్యాగం। హ మహారాజ్, ఆ సభీ తీర్థ మే సభీ दौड़ रहे हैं। हाँ, लेकिन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि पर। हाँ, सबको जाने में हवा खराब होती। हाँ जी। वहाँ का कारण क्या है ये बताइए अभी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, नहीं सब में माइयों के भाई, हाँ बहनों के भाई, हाँ अफुओं के भाई। हाँ, 88,000 ऋषियों की जो तपोभूमि है महाराज जी, वहाँ जाने में सबकी हवा खराब होती। हाँ जी, वहाँ कारण क्या है? ये आज जिस कली काल में भी वो अपने में मर्यादित खड़ा है, वो कौन सा जगह है? इस भरत भूमि में वह कौन सा जगह है ये बताइए। भरत भूमि में अभी भी मर्यादा है। अभी भी वह मर्यादित खड़ी है। अच्छा, आप बताइए महाराज जी। हम नहीं बताएंगे महाराज, बताने की यार भैया यही तो आदेश है। आप बताइए, आप बताइए, आप में किसी के गाड़ी चल छूट गई। हाँ जी। नहीं, मैं इशारा नहीं है। हाँ, अभी भी यहाँ मर्यादा है। वहाँ अभी भी मर्यादित खड़ी है।
హిమాలయ అని అడిగాను, హిమాలయ కాదంటున్నాడు. నైమిషారణ్యంలో ఇప్పుడు కూడా భారతదేశంలో ఎక్కువ మర్యాద ఉంటుంది, సంస్కారం ఉంటుంది అక్కడ అంటున్నారు. वहाँ किसी भी आश्रम में आप ये कौड़ी लेके नहीं टिक सकते. हाँ जी, कौड़ी हाँ जी है तो गद्दी पर जमा करो, तब वहाँ जाके आसन लगाओ, और नहीं तो पतली गली का रास्ता साफ है, चले चलते बनो. అక్కడ పైసలు తీసుకొని ఆశ్రమానికి వెళ్ళనియరంట, ఖాళీ చేతులతోటి వాళ్ళంట. అప్పుడు ఆసనం వేసుకొని కూర్చోవాలంట సాధువులు. సాధువులు పైసలు తీసుకొని లోనికి రానివ్వరంట, ఖాళీ చేతితోటి పోయినప్పుడు అక్కడ ఆసనం వేసుకోనికి అవకాశం ఇస్తారు. అక్కడ కొంతకాలం ఉండి సాధన చేసుకోవచ్చు. మళ్ళీ అక్కడ గురు మహారాజు గద్దె మీద పెట్టాలి డబ్బులు, మళ్ళీ పోయేటప్పుడు ఆ డబ్బులు తీసుకొని పోవాలి. లోపలికి డబ్బులతోటి ఎంట్రీ ఉండదు. అక్కడ ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సిన సౌకర్యాలు అన్ని, భోజన పదార్థాలు అన్ని ఏర్పాటు చేస్తారు. నైమిషారణ్యంలో ఇప్పుడు ధర్మం ఉంది, మర్యాద భూమి, అది చాలా మర్యాద ఉంటుంది అక్కడ అని చెప్తున్నారు. వహా హా జో కితనే ఘంటే ఆసన్ పర్ బైట్ సక్తే హో. వహా సంప్రదాయ సే మత్లబ్ నహీ హై. ఆసనా నామ్ जो 18 घंटा आसन पर बैठ गया वह इसे तरहती पर है. महाराज అక్కడ నిదే సాంప్రదాయం అనేది దానికి ఇంపార్టెంట్ ఉండదు. ఎవరైతే 18 గంటలు ఒకే ఆసనం మీద కూర్చొని సాధన చేయగలుగుతున్నారో వారికి ఒక ఒక ఋషిలాక చూస్తారు వారిని అంటున్నారు. भैया 14 किलोमीटर का एरिया है और 14 आश्रम है. అంటే 14 కిలోమీటర్ల 14 किलोमीटर का एरिया है, 14 आश्रम है. 14 అంటే 14 కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగిన నైమిషారణ్యము 14 ఆశ్రమాలతో కూడింది. ఇక ఈ నియమాలు పాటించిన వాళ్ళని ఏదో ఒక గల్లీ చూపెట్టి అక్కడ వెళ్ళండి అని చెప్తారు. నియమాలు పాటించిన వాళ్ళని అక్కడ ఉంచుకుంటారు అని అంటున్నారు. చూడనికైన సూరదాస్ పరంపర, సూరదాస్ పరంపర అంటే రెండు కండ్లు లేవు. సూరదాస్ పరంపర నై ऋषि का परंपरा है. आपका सप्तऋषि का परंपरा है. वह जो नेम चारण्य है, जो पंचाक्षर मृदंग तोयंग वाले का के लिए वह बना हुआ है. हमेशा सदा पांच वर्ष वाले अकड़ सप्तऋषि यज्ञ చేశారు కాబట్టి सप्तऋषि परंपरा का నడుస్తుంది అన్నారు. आपका सूरदास परंपरा? हाँ, हमारा सखी संप्रदाय. हाँ, सूरदास परंपरा. सूरदास परंपरा में, हाँ जी, सूरदास में एक मेंबर है. अंटे मा परंपरा लो सूरदास गुड़ा वकरु अने अंटुनारु. ये सूरदास जो है हरियाणा के हैं. हाँ जी, तिलपत यानी. हाँ जी, ये तिलपत जो है फरीदाबाद. हाँ जी, से किसी 8 किलोमीटर की दूरी है तिलपत. हाँ जी, वो तिलपत उनका कि मूल गद्दी है. हाँ जी, और कृष्ण के वो अनुयायी है. हाँ, श्री कृष्ण ने भक्त सूरदास माँ परंपरा लो माँ परंपरा लो वारु किशोरी चरण. आये पेर किशोरी चरण अने पात पेर सूरदास का मारी पयाडो. अच्छे आये वारु माँ परंपरा लोनी वारे अने अंटुनारु. स्वाश्रम सूरदास, सहायता आश्रम सूरदास. या वृंदावन में भी है सहायता आश्रम. हाँ, वृंदावन में सहायता आश्रम. हाँ, आप श्री रामचंद्र जी का भक्त है? भैया वो तो हमारी पुरातत्व स्वरूप है भैया. हम राजा बेन के शरीर के क्षेत्र के हैं. हाँ जी, राजा बेन. हाँ जी, जो अवध नरेश हुए थे. हाँ जी, जिनकी शरीर का मथन भया है. हाँ जी, हाँ, पहला निकेश, दूसरा मिथी, तीसरा पृथ्वी महाराज. हाँ, अच्छा, पृथ्वी महाराज का किसी के पूर्वज. हाँ जी, यानी उनसे बड़े होने के लिए पूर्वज कहलाएगा. हाँ जी, तो वह जो शाखा है मिथि का. हाँ जी, उससे मिथिला बना. हाँ जी, मिथिला के नरेश जनक हुए. हाँ जी, हम जनक के परिहासित भूमि के हैं. అచ్చా, జనక చక్రవర్తి పరంపర అంటున్నారు. జనకుడు రాజర్షి, రాజర్షి జనకే. నా రాజర్షి మను హ. హాజీ, మను రాజ ఋషి మను హ. హాజీ, ఆ ఋషి మను జో హ. సో కౌన్? హాజీ, భృగు మహారాజ్. హాజీ,
दो ही की संगीता चलती। हाँ जी, राज ऋषि मनु और ऋषि ऋषि भृगु। भृगु जो है आपको कहाँ ये बताइए, गज गराह का जो किसी जो है हरि और हर दोनों का जहाँ मिलन है उस जगह भृगु क्षेत्र है। गज ग्रह वाला जगह याद कीजिए, वहाँ का परंपरा आपने, वहाँ का परंपरा नहीं, वहाँ के जो है थोड़ा ऋषि संगीता है। हमारी जो मानव का जो दो संगीता है, अच्छा, राज ऋषि मनु और देव ऋषि भृगु। तो राज ऋषि अवध और देव ऋषि भृगु जो हरि और हर का जहाँ मिलन है वहाँ नारायणी गंगा का तट। जिसको हरिहर क्षेत्र कहते हैं वहाँ है भृगु क्षेत्र। हरिहर आप जप करते हो भैया? वो साधना तो करना ही होगा। हाँ, पूजा पाठ और जप। पूजा करें चाहे नहीं करें, पूजा करने के लिए तब तो सौपाकी बने तब तो पूजा करें। जब सौपाकी नहीं है तो पूजा का कोई मतलब नहीं है। सही बात। हम अपने मलाई चोर रहे हैं और ठाकुर को फुटहा लगा रहे हैं। अरे हम घूम घूम के मलाई तोड़ रहे हैं, ठाकुर को क्या लगा रहे हैं फुटा। ये चीज आपने तो टेप कर लिया तो उससे कोई अंतर नहीं। अवधूतल భాష ఇక్కడ అర్థం కాదు వాళ్ళకు, చాలా చిత్ర విచిత్రమైన మనసులు, ఆయన సూటిగా ఏది జవాబు చెప్పరు, ఆయన చాలా చిత్ర విచిత్రంగా మాట్లాడుతున్నాడు ఎవరికి అర్థం కాకుండా, ఇట్లే ఉంటారు అవధూతలు మహారాజ్ అప్ తో ఒరిసాకే।